वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टेन क्लास ट्वेल्थ का माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर तो जैसे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का दो क्लास में हमने वो ख़त्म किया है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स तो आज हम उठाने वाले हैं क्या माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो अगर हम वर्ड मीनिंग ही मान लें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको इंसान की जिंदगी में इंसान के वेलफेयर के लिए इनका कौन सा रोल है मतलब ये किस तरीके से इंसान के वेलफेयर अच्छाई के लिए कैसे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर तो इंसान की अच्छाई के लिए मतलब इंसान को फायदा देने के लिए माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है या माइक्रोब्स किस तरीके से <laughs> यूजफुल है फॉर ह्यूमंस तो जो माइक्रोब्स है अगर हम देखेंगे माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो पहली बात किसकी करते हैं पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टो बेसिल्स अब लैक्टोबैसिलस क्या है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ठीक है ये एक बैक्टीरिया है जो मदद करता है किसमें? जो मदद करता है मिल्क को कर्ड बनाने में तो लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टोबैसिलस और इसके बाकी जो भी मेम्बर्स हैं तो उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं उनको हम कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं तो लैक्टस लेक्टोबैसलस और इसके अदर जो बाकी होते हैं इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं लैब लैब मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो इसका दूसरा नाम क्या है लेक्टोबैसलस का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अब जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये काम क्या करता है ये किस में ग्रो होता है ये मिल्क में ग्रो होता है किस में ग्रो होता है ये मिल्क में और यह मिल्क जो लिक्विड होता है ये मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है ये मिल्क को इंटू ए सॉलिड फार्म कन्वर्ट कर देता है दैट इज नोन एज कर्ड तो मिल्क में कर्ड को कौन कन्वर्ट करता है लेक्टोबैसिलस जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बन जाता है ठीक है तो फायदे के लिए है ये तो जब यह मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है तो कैसे करता है जब यह ग्रो हो जाता है मिल्क में तो यह जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या प्रोड्यूस करता है ये एसिडिस प्रोड्यूस करता है तो इनसाइड मिल्क जब यह मिल्क में ग्रो हो जाता है इनसाइड मिल्क में यह क्या करता है इनसाइड मिल्क ये प्रोड्यूस करता है एसिडस ठीक है तो इनसाइड मिल्क लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है एसिड्स ठीक है तो जब यह एसिड्स को प्रोड्यूस करता है तो उन एसिड्स से क्या हो जाता है उन एसिड्स से जो मिल्क होता है जो लिक्विड लाइक -like होता है ये मिल्क उन एसिड्स के कारण क्या हो जाता है उन एसिड्स की वजह से यह मोटा हो जाता है कॉगलेट हो जाता है जम जाता है तो प्रोड्यूस एसिड्स तो एसिड्स की वजह से क्या होता है कॉगलेशन कॉगलेशन ऑफ मिल्क और जब कॉगलेशन ऑफ मिल्क होती है तो हम इसी कॉगलेटेड मिल्क को क्या कहते हैं कर्ड कहते हैं ठीक है थीके? तो जब कॉगुलेशन होती है तो क्या बन जाता है कर्ड बन जाता है। तो सिंपल सी सिंपल सा ये मैकेनिज्म, ठीक है? इतनी बात हो गई <laughs> और ये जब ये एसिड बन जाते तो कॉगुलेशन होती है प्लस कॉगलेशन के साथ साथ क्या होता है ये मिल्क में करता है, क्या है ये एसिड्स तो प्रोड्यूस करता है ये एसिड पार्शली डाइजेस्ट कहते हैं किसको मिल्क प्रोटीन को तो मिल्क में एक प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम क्या है मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन को क्या किया जाता है कैसिन प्रोटीन की पार्शल डाइजेशन की जाती है और जब कैसिन प्रोटीन की पार्शल डाइजेशन हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है उसके बाद ये जम जाता है और ये बन जाता है गर्ड ठीक है तो कैशियन प्रोटीन होता है इसमें तो कैशियन प्रोटीन की भी पार्शल डाइजेशन हो जाती है पार्शल तो प्रोटीन्स की पार्शल डाइजेशन होती है और इस तरीके से ये कॉगलेट हो जाता है और इस कॉगलेटेड मिल्क को हम कर्ड कहते हैं इतनी बात हो गई अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक डब्बे में हमने एक डब्बे में क्या किया हमने एक डब्बे में बहुत सा कर्ड जमा किया ठीक है हमने इसमें क्या जमा किया मतलब इसमें हमने कर्ड ये मिल्क को बन गया कर्ड तो ये कर्ड है दिस इज कर्ड अब अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक और डब्बा है ठीक है एक और डब्बा है और इस डब्बे में भी मुझे क्या करना है इस डब्बे में भी मुझे क्या बनाना है मुझे कर्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा ये मिल्क है अब हम इससे हम इससे क्या थोड़ा सा थोड़ा सा इस वाले से थोड़ा सा हम कर्ड उठाएंगे ठीक है एक चम्मच तो मान लिया मैंने कितना एक चम्मच मैंने उठा दिया तो मान लो ये एक चम्मच है ठीक है तो एक चम्मच में मैंने उठा दिया तो जब मैंने एक चम्मच में उठा दिया कौन ये कड़ तो एक चम्मच और यही एक चम्मच मैं किस में डाल रहा हूं यही एक चम्मच मैं किस में डाल रहा हूं? इस वाले में ठीक है इस वाले में मैं यही एक चम्मच इस वाले में डाल रहा हूँ मिल्क में डाल रहा हूं तो यह बन जाती है ये जो थोड़ा सा अमाउंट मैंने ले लिया स्मॉल अमाउंट किसका ले लिया मैंने कर्ड का और किस में डाल दिया फ्रेश मिल्क में यह क्या था यह फ्रेश मिल्क था तो फ्रेश मिल्क में क्या क्या मैंने डाल दिया थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ कर लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड है लिटिल कर्ड लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड तो लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल दिया किस में फ्रेश मिल्क में तो इस लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम कहते हैं इनाक्यूलम दिस इज नोन एज इनाक्योलम लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड जो मैंने इंसर्ट किया इस फ्रेश मिल्क में इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर टू फॉर्म द कर्ड इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्ट इन टू करड इस फ्रेश मिल्क को किस में कन्वर्ट करना है कर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड उठाया और इसमें डाल दिया तो ये एक्ट हो जाता है इनोक्यूलम तो इनाक्योलम एक छोटी सी लिटिल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होती है किसी की भी हो सकती है तो यहाँ पर हमने कर्ड उठाया ये बन गया इनोकुलम किसके लिए इस फ्रेश मिल्क के लिए इनोकुलम बन गया और उसके बाद जब ये इनोकुलम इसमें जाएगा तो इसमें बहुत सारे यहाँ इसमें बहुत सारे लाखों में बैक्टीरियाज होते हैं मिलियज में बैक्टीरियाज होते हैं तो इसमें कितने होते हैं इस इनोकुलम में क्या होते हैं मिलियंस ऑफ़ बैक्टीरिया तो एक चम्मच में भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं मिलियंस ऑफ लैब

ठीक है कर्ड का इससे न्यूट्रेटिव वैल्यू भी बढ़ गया इसका न्यूट्रेटिव वैल्यू बढ़ गया तो न्यूट्रेटिव वैल्यू भी क्या हो जाता है न्यूट्रेटिव वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है कर्ड का क्यों क्योंकि इससे ये क्या हो जाता है इसमें इंक्रीज हो जाती है विटामिन बी ट्वेल्व कंसेंट्रेशन तो कर्ड में इंक्रीज क्या होगी विटामिन बी ट्वेल्व कंसेंट्रेशन और विटामिन बी ट्वेल्व किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी ट्वेल्व इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए फैक्टर भी एक्ट करता है मैचुरेशन फैक्टर कौन विटामिन B2 है। तो न्यूट्रेटिव वैल्यू भी किसका इंक्रीज हो गया कर्ड का इंक्रीज हो गया ठीक है और डिजीज काजिंग ये जो लैब है ये डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है ये उनको उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी ये क्या करता है स्टॉप करता है ठीक है अब देखो यहां पर एक और एग्जाम्पल है जो डॉग जो डॉग है डॉग किसमें हम यूज करते हैं देखो डॉग क्या होता है वो मान लो कि आटा होता है ठीक है डॉग किसके लिए यूज होता है पहले डॉग यूज हो, यूज होता है फॉर मेकिंग फूड्स ठीक है जैसे कि डोसा डॉग से हम क्या बनाते हैं डोसा बनाते हैं इडली बनाते हैं तो डोसा इडली जो है ये किससे बनाते हैं ये हम डॉग से बनाते हैं डॉग क्या होता है ये एक सिंपली क्या होता है ये आटा ही होता है फ्लोर ही होता है ये और इस फ्लोर के साथ वाटर मिक्स हुआ होता है और इसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो जाते हैं तो जिसकी वजह से ये फ्लोर क्या हो जाता है मतलब ये लिक्विड फ्लोर ही होता है लिक्विड फ्लोर और इसमें बैक्टीरिया एडअप्ट हुआ हो जाता है और जिसके कारण क्या हो जाता है ये पफी लाइक -like अपियरेंस इसकी हो जाती है ठीक है इसकी क्या अपेयरेंस होती है पफी अपियरेंस तो कैसे इसकी पफी अपेयरेंस हो जाती है तो ये जो डॉग है ये लिक्विड फ्लोर होता है और इसकी कौन सी अपेयरेंस हो जाती है पफी लाइक अपियरेंस कैसे हो जाती है क्योंकि इसमें भी क्या होता है इसमें बैक्टीरिया होता है ठीक है कौन सा बैक्टीरिया इसमें होता है सार्कोमाइसिस कर्विस ठीक है साइक्रोमाइसिस सर्विसीज तो साइक्रोमाइसिस सर्विसीज बैक्टीरिया इसको क्या बनाता है फूफला बनाता है पफी अपियरेंस पफी अपियरेंस इसकी हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है उसके कारण ये जब पफी अपेयरेंस हो जाती है किसने कर दी इसकी साइक्रोमाइसिस करविसिस तो ये साइक्रोमाइसिस करविसिस ने इसकी पफी अपेयरेंस कैसे कर दी बेसिकली उसने डॉग डॉग में क्या किया इस फ्लोर में क्या किया लिक्विड फ्लोर में तो इसने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज कर दी तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो गया जिसके कारण क्या हो जाता है जिसके कारण पफ़ी अपेयरेंस हो गई ठीक है तो डॉग साइक्रोमाइसिस करविसिस में यूज होता है और ये क्या हो जाता है ये लिक्विड फ्लोर होता है इसमें uh, सेक्रीफाइसिस कर क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और जिसके कारण पफिया पेरेंस आ जाती है डॉग को और uh, इस डॉग से क्या हम बनाते हैं डोसा बनाते हैं इडली बनाते हैं ठीक है थेके? अब देखो बेसिकली ये प्रोसेस कौन सी हो रही है ये फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन भी हो रही है बेसिकली यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है फर्मेंटेशन हो रही है अब देखो अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो डॉग था तो ये यूज होता है किसके लिए फॉर मेकिंग ब्रेड फॉर मेकिंग डोसा इडली ये ब्रेड के लिए यूज हो जाता है और इसमें हम कौन सा यूज़ बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म ये ये यूज करते हैं है? ये है。तो सैक्रोमाइसिस कर्विस क्या है एक यीस्ट है इसको हम बेकर यीस्ट तो यीस्ट किसको कहा जाता है सैक्रोमाइसिस कर्विस को हम बेकर सीस्ट कहते हैं इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बन जाते हैं बाय फर्मेंटेशन ठीक है तो फर्मेंटेशन होती है और उससे क्या हो जाता है उससे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनते हैं जैसे कि टॉडी टॉडी क्या है एक टॉडी एक ट्रेडिशनल ये एक ट्रेडिशनल क्या है पहले पहले मतलब ये ड्रिंक्स बनाई दी बना बना दी जाती थी तो, तो ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये ये है साउदर्न इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया तो ये जो साउदर्न इंडिया में ये ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पर टॉडी है तो कैसे बनाई दी जाती है ये ये भी यूज़ ऑफ ये भी फर्मेंटेशन से ही बनाया जा दी जाती है तो इसमें कौन यूज हो जाता है इसमें भी कौन यूज हो जाता है इसमें भी सैक्रोमाइसिस इसमें भी सिंपली कौन यूज हो जाता है इसमें भी यीस्ट ही यूज हो जाता है तो ये जो टॉडी है टॉडी भी कैसे बन जाती है टॉडी भी सिंपली बन जाती है बाय द बाय दिस फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन से ही बनती है थी? इतना हो गया कि ये भी फर्मेंटेशन से ही बनती है ठीक है तो फर्मेंटेशन किसकी होती है फर्मेंटेशन बेसिकली ट्राइशन ड्रिंक जो आप साउथर्न इंडिया है टॉडी ये कैसे बनती है फर्मेंटेशन किसकी फर्मेंटेशन होती है जो फर्मेंटेड सैप होता है जो पाम्स से निकलता है तो फर्मेंटेड सैप जो पाम्स से उसको क्या कहते हैं वो फर्मेंटेड उस सैप की फर्मेंटेशन हो जाती है तो, जो जो पाम से आता है ठीक है पाम्स पाम प्लांट से क्या आता है सैप तो उसकी फर्मेंटेशन होती है और उसी को क्या बनता है उसी को ये टॉडी बन जाती है इसी तरीके से यहां पर कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं किसमें फिश को फर्मेंट करने में तो फिश की फर्मेंटेशन तो फिश की फिश की भी फर्मेंटेशन हो जाती है फर्मेंटेशन क्या है फर्मेंटेशन होती है कि इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कहता है इसकी बात अगर मैं फर्मेंटेशन की बात करूं तो फर्मेंटेशन सिंपली होता है कि इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर पायरवेट इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर पायरवेट कन्वर्ट हो जाए किस में या कोई भी फूड कन्वर्ट हो जाए इनटू टू एथनॉल या लैक्टिक एसिड में एथनॉल या लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन एथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो सिंपली हम कहेंगे कि फर्मेंटेशन सिंपली क्या होती है ये सिंपली फर्मेंटेशन uh, होती है कि इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो यहां पर भी फिश को फिश को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिश फिश को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेवस ठीक है तो फर्मेंटेशन कैसे हो जाती है फिश की ब्रेवस ब्रेविसक्टो बेसलस ब्रेवस तो लेक्टोबेसल ब्रेवस उसकी फर्मेंट उसकी उसकी वजह से फर्मेंटेशन Uh, हो जाती है फिश की या या तो फर्मेंटेशन हो जाएगी सीडोकोकस से या लैक्टोकोकस स्पीशीज से तो या तो फिश की फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस ब्रेविस से हो जाएगी या सीडोकोकस से सीडो कोकस ठीक है तो इनसे क्या हो जाती है इनसे फर्मेंटेशन ऑफ फिश हो जाती है ये तो फिश का हो गया इसी तरीके से हम सोयाबीन सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है तो सोयाबीन अगर फर्मेंट हो जाएगी तो कैसे फर्मेंट हो जाएगी सोयाबीन ऑयल बेसिकली हम फर्मेंटेशन से सोयाबीन सोयाबीन ऑयल जो होता है सोयाबीन ऑयल हम बनाते हैं फर्मेंटेशन से सोयाबीन ऑयल ठीक है तो सोयाबीन ऑयल तो ये भी फर्मेंटेशन से ही बनता तो तो है फर्मेंटेशन से बनता है और कौन सा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो जाता है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो जाता है वो बेसिकली एक फंजय है जिस फंजय का नाम क्या है या राइजोपस स्पीशीज तो इसमें एस्परगिलस, एस्परगिलस गिलस और राइजोपस स्पीशीज यूज हो जाती है राइजोपस स्पीशीज तो ये क्या है ये फंजय है ठीक तो ये यूज हो जाते हैं फादर सोयाबीन फर्मेंटेशन इसी तरीके से बैम्बू <clears throat> जो बैम्बू बैम्बू से क्या होता है जो बैम्बू से पिकलस हम बनाते हैं ठीक है पिकलस बैम्बू के शूट से क्या बनाते हैं बैम्बू शूट से क्या बनाते हैं हम पिकलस तो पिकल्स बनते हैं जिनको हम शूट पिकल्स भी कहते हैं ठीक है बैम्बू शूट पिकलस तो बैम्बू शूट पिकल्स जो हम बनाते हैं शूट से इसके पिकलस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो भी फर्मेंटेशन से ही बनते हैं और उसमें जो सिंपली एक यूज होता है बैक्टीरिया जैसे कि लेक्टोबैसेल लेक्टोबैसलस इसमें यूज हो जाता है लेक्टोबैसलस की स्पीशीज बैम्बो को शूट पिकल बनाने में या शूट पिकल का शूट का ही एक और प्रोडक्ट होता है शूट का ही एक और प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज सोइडन तो Soydan जो होता है ये शूट का प्रोडक्ट है ठीक है ये किसका प्रोडक्ट है शूट प्रोडक्ट तो ये भी कैसे बनता है ये भी बनता है बाई फर्मेंटेशन बाई लैक्टोबैसिलस शूट प्रोडक्ट जो होता है ये भी बनता है बाई लैक्टोबैसिलस दैट मींस फर्मेंटेशन इतनी बात होगी अब देखो यहां पर एक और चीज है कि जो चीज है ये सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम जो है जिसमें माइक्रोब्स यूज हो जाते हैं चीज में तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज जो है चीज में भी माइक्रोब्स यूज हो जाते हैं ओल्डेस्ट फूड आइटम्स में से ये गिना जाता है जिनमें माइक्रोब्स यूज हो जाते हैं ओल्डेस्ट फूड आइटम्स ओल्डेस्ट फूड आइटम है ये इन विच माइक्रोब्स आर यूज ओलडेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज जिसमें हम क्या यूज करते हैं माइक्रोब्स अब देखो अब इसी तरीके से जो साउथ ऑफ फ्रांस साउथ ऑफ जैसे कि हम कहते हैं कि जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज होती है तो वो कैसे आती है मतलब डिफरेंट टेक्स्चर के चीज़ कोई सॉफ्ट कोई कुछ हाँ तो डिफरेंट फ्लेवर के चीज़ डिफरेंट टेक्स्चर के चीज़ डिफरेंट टेस्ट के चीज़ तो चीज़ चीज़ में टेस्ट भी आधे चीज़ में मतलब ऑन द बेस ऑफ टेस्ट भी ये डिफर हो जाते हैं चीज़ ऑन द बेस ऑफ फ्लेवर ठीक है फ्लेवर एंड टेस्ट जो फ्लेवर होता है फ़्लेवर एंड टेस्ट इनका या ऑन द बेस ऑफ टेक्स्चर सॉफ्ट है या हार्ड है ये तो टेक्सचर ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो जाता है बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स तो इसी तरीके से जो साउथ ऑफ फ्रांस में साउथ ऑफ फ्रांस में क्या है साउथ ऑफ फ्रांस में एक ची होती है जिसका नाम है क्या बिल्यू ची हाँ बिल्यू चीज तो बिल्यू चीज उस बिल्यू चीज का बेसिकली उसको हम बिल्यू चीज कहते हैं और साउथ ऑफ फ्रांस में ही पाई जाती है बेसिकली इस ब्लू चीज जो है ब्लू चीज इसका नाम क्या है इसका नाम है रॉकी फोर्ट चीज ठीक है रॉकी फोर्ट रॉकी रॉकी फोर्ट चीज तो ये जो रॉकी फोर्ट चीज है ये भी कैसे बन जाती है बाय द फर्मेंटेशन ये रॉकी फोर्ट चीज भी कैसे बनती है बाय फर्मेंटेशन राइपन ये की जाती है बाय द पेंसिलियम रॉकीफोर्ट तो इसमें यूज कौन होता है पेंसिलियम रॉकेफोर्ट ठीक है तो पेंसिलियम रॉकेफोर्ट में लिखूंगा पेन सीलियम तो पेंसिलियम रॉकेफोर्ट इसमें यूज हो जाता है और ये ब्लू चीज बन जाती है ठीक है तो ब्लू चीज कौन है दिस ब्लू चीज इज नोन एज रॉकीफॉट चीज तो इसमें कौन सा यूज होता है फर्मेंटेशन से बनती है पेंसिलियम रॉकेफोट से ही बनती है ठीक है इसी तरीके से जो स्विस चीज होती है स्विस चीज स्विस चीज कौन सी चीज होती है स्विस चीज जो है ये प्रोडक्शन इनका कैसे होता है बाई प्रोडक्शन इसमें होती है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है कैसे है? देखो स्विस चीज में सिविस चीज को हम क्या कहते हैं सिविस चीज में प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ इसमें होते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल्स अब ये लार्ज होल्स कैसे डेवलप हो जाते हैं तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चीज बन जाती है इसकी वजह से तो ये कैसे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ जो प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमानी प्रोपीनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम शेरमानी जो है तो प्रोपीनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम शेरमानी जो है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो ये एक बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं लार्ज होल्स हो जाते हैं किसमें इस चीज में तो ये बन जाती है स्विस चीज so तो यहां पर हमने देखा कि कितने मतलब माइक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कैसा रोल है वो किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं तो आज के लिए इतना ही तो कल हम इसका दूसरा वाला जो टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो हम कल पढ़ेंगे